हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मटर के अप्पे बनाना। तो आइए बनाते हैं मटर से अप्पे। मटर के अप्पे बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी उबले हुए मटर लिए हैं, इनको हमने ज़्यादा नहीं उबाला है, और एक कटोरी हमने सूजी ली है, और एक छोटी कटोरी हमने दही ली है, तीन हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा जिसके मैंने दो तीन टुकड़े कर लिए हैं, और खूब सारा हरा धनिया लिया है। तो आइए बनाते हैं अप्पे। ये मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं मटर डाल दूंगी और साथ ही ये अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसको दरदरा पीस लूंगी। ये मैंने मटर को दरदरा पीस लिया है। अब मैं इस मटर को इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी। अब मैं इसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और साथ ही मैं इसमें ये सूजी डाल दूंगी एक कटोरी, और ये दही भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। नमक मैं इसमें एक छोटा चम्मच डाल रही हूं, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना। एक छोटी चम्मच मैं इसमें काली मिर्ची डाल रही हूं, आधी छोटी चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूं। ऐसा बना के तैयार करूंगी। मैं ये खूब सारा धनिया डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहे इसमें कोई भी हरी सब्जी डाल सकते हैं। और पेस्ट हमारा अभी गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। इसे मैंने एक छोटा सॉस पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल दूंगी। सरसों हमारी चटक चुकी है, अब मैं ये ऑयल इस सूजी के पेस्ट के अंदर डाल दूंगी और इसे फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमने अप्पे स्टैंड लिया है और ये हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है फूल के। और ये हमने ऑयल लिया है, ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें ऑयल लगा लूंगी सारे अप्पे खांचे में। हमने सारे सांचों के अंदर ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसे गैस पे गरम होने के लिए रखूंगी। अप्पे स्टैंड को मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है, गैस को मैं स्लो कर देती हूँ। ये मैंने इनू लिया है, मेरे पास हाफ पैकेट बचा हुआ था इनू, मैं ये हाफ पैकेट इसमें डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लूंगी मैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं खांचों के अंदर ये पेस्ट डाल दूंगी।
ये हमारा अप्पे बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, स्लो गैस पे ही। ये हमने सारे सांचों में भरकर तैयार कर दिया है। अब मैं इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब मैं इसे ढक्कन को खोल के देखेंगे कितने अच्छे से सिक रहे हैं हमारे। अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल की बूंदे डाल दूंगी। और इसे मैं फिर से ढक दूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी अप्पे की। ये देखो कितने अच्छे से सीकर तैयार हुआ है। अब मैं इस पे ऑयल थोड़ा थोड़ा फिर से लगा दूंगी। इसे मैं फिर से ढक दूंगी। तो आइए अप्पे फिर से देखते हैं। और ये हमारे अप्पे देखो कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुए हैं। मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो कितने बढ़िया से सिके हैं दोनों साइड से। ये हमारे अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी। और ये हमारे मटर के अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने ग्रीन चटनी के और केचप सॉस के साथ सर्व किए हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।